बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारा ये लेक्चर है एमएससी मैथमेटिक्स मैथ पार्ट वन के लिए है। और रियल एनालिसिस सब्जेक्ट जो है वो हमारा रियल एनालिसिस। आज जो हम बात करेंगे सबसे पहले वो है व्हाट इज़ क्लस्टर पॉइंट। व्हाट इज़ क्लस्टर पॉइंट, किसी भी सेट का जो क्लस्टर पॉइंट है वो क्या होता है, व्हाट इज़ क्लस्टर पॉइंट। अब देखें, जो क्लस्टर पॉइंट है अ रियल नंबर एक्स, क्लस्टर पॉइंट कितने क्या है कि अ रियल नंबर एक्स, कोई भी रियल नंबर जो है क्या है क्लस्टर पॉइंट होगा, इज सेट टू बी क्लस्टर पॉइंट इज सेट टू बी क्लस्टर पॉइंट, उसको हम क्या कहेंगे क्लस्टर पॉइंट कहेंगे इफ, अगर देखें एक्स जो होगा वो एक क्लस्टर पॉइंट होगा, ठीक है, क्लस्टर पॉइंट किसका, क्लस्टर पॉइंट ऑफ ए सेट का जो कि सबसेट किसका है, रियल नंबर क्या है सबसेट है, तो उसका क्या होगा क्लस्टर पॉइंट होगा इफ एनी सबसीक्वेंस, एनी सबसीक्वेंस ऑफ एक्स एन के ए के अंदर एक ही कोई सीक्वेंस है उसकी सब सीक्वेंस जो है कन्वर्जेस टू एक्स, कन्वर्जेस टू एक्स, वो एक्स कन्वर्ज करती है, ठीक है। कि अगर किसी भी कोई भी रियल नंबर एक्स, एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए, किसी भी सेट ए का एलिमेंट है, तो वो उस सेट का क्लस्टर पॉइंट होगा अगर उस सेट में जो सेट किसका सबसेट है वो है रियल नंबर्स का, सेट ऑफ रियल नंबर का सबसेट है, तो वो अगर वो एक्स जो है, ठीक है, वो ए का एलिमेंट है और उस ए सेट की कोई भी सीक्वेंस जो है एक्स एन उसकी सब सीक्वेंस, ए सेट की कोई भी सीक्वेंस एक्स एन जो है उसकी सब सीक्वेंस कन्वर्जेस टू एक्स हो, तो एक्स इज क्लस्टर पॉइंट ऑफ ए, तो ए का क्या कहलाएगा, वो क्लस्टर पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं लिमिट ऑफ अ फंक्शन, किसी भी फंक्शन की लिमिट जो है रियल नंबर पे क्या होगी, लिमिट ऑफ अ फंक्शन एट रियल नंबर, पहले हमने बात कर चुके हैं एट इन्फिनिटी, हम बात करते हैं एट रियल नंबर, इसका मतलब क्या है, ठीक है, किसी फंक्शन की लिमिट रियल नंबर पे इसका मतलब क्या है, हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि लेट एफ बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन है डिफाइंड ऑन अ डोमेन ए, कि एफ कोई फंक्शन है, लेट अ फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन डोमेन ए, ए क्या है सेट ए डोमेन है, ये इसका सबसेट है रियल नंबर्स का, अगर ए पे क्या है ये डिफाइंड है और रियल वैल्यूड फंक्शन है एफ, ठीक है, और सी जो है बी क्लस्टर पॉइंट ऑफ ए, भी हमने एक्सप्लेन किया है सी इज एंड सी इज क्लस्टर पॉइंट ऑफ ए, और सी इसका क्या हो ए का एक, ए सेट का एक क्लस्टर पॉइंट हो, तो देन जो फंक्शन है एफ फ्रॉम ए डोमेन है ए टू आर, आर क्या है सेट ऑफ रियल नंबर्स, इसकी क्या है रेंज, ठीक है, ये फंक्शन जो है सेट टू बी क्या होगा टेंड टू अ लिमिट एल, देन एफ अगर क्या है फंक्शन है टू आर, देन एफ फंक्शन जो है ए सेट टू, सेट टू, सेट टू बी टेंड टू टू लिमिट एल, तो इसकी लिमिट जो है उस फंक्शन की लिमिट एल होगी
कब एल होगी, फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो टेंस टू एल टेंस टू एफ होगी, एल होगी लिमिट एक्स टेंस टू सी एंड एक्स टेंस टू एट वैन कब एट या वैन एक्स टेंस टू क्या हो सी, जब एक्स टेंस टू क्या हो सी हो तो एफ की लिमिट क्या होगी टेन टू एल होगी, ठीक है। शर्त क्या है, कंडीशन क्या है या रिलेशन क्या है फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन, फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। एंड एन की अगर हम बात करें वो सेट ऑफ वो तो आपको पता ही है, एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा, ठीक है। देन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रियल नंबर, एक पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा, डेल्टा जो है वो इज, और डेल्टा क्या होगा इज ऑफ द फॉर्म ऑफ एप्सिलॉन, और डेल्टा किस फॉर्म में होगा यानी द साइज ऑफ डेल्टा की वैल्यू है दैट विल डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन, ठीक है। तो एप्सिलॉन सच दैट, तो रिलेशन क्या होगा, अब सिंपल बात है कि फंक्शन एफ टेंड टू लिमिट एल होगा व्हेन एक्स टेंड्स टू सी हो, जब एक्स टेंड्स टू सी हो तो इसकी लिमिट जो होगी एफ की टेंड टू एल होगी एफ एक्स माइनस एल लेस देन क्या है होगा एप्सिलॉन। दूसरा फॉर ऑल, फॉर ऑल जो x माइनस सी एब्सोल्यूट वैल्यू ये ग्रेटर देन ज़ीरो होगा और लेस देन क्या होगा डेल्टा होगा, तो ये कंडीशन है लिमिट ऑफ अ फंक्शन एट रियल नंबर। फंक्शन की लिमिट टेंड टू एल होगी जब x टेंड्स टू सी होगा, कंडीशन क्या है एफ एक्स माइनस एल लेस देन एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन, जब x माइनस सी, सी क्या है क्लस्टर पॉइंट है ए का, एब्सोल्यूट वैल्यू डेल्टा से लेस हो और ज़ीरो से क्या हो ग्रेटर हो, ठीक है। अब देखें अगर यहाँ हम इसको एक्सप्लेन करें, इंटरवल अगर फाइंड करना चाहें तो देखें हमारे पास ये फ़र्ज़ करें ये एल है लिमिट एल, ये एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, ये लेते हैं इस, और ये हमारे पास जो है ये लिमिट हम सी की बात करते हैं, ठीक है। लेट्स से इसकी लिमिट एल, और एल के लिए ये सी पे अगर हम एग्जैक्ट सी पुट करते हैं तो आंसर क्या आता है एल आता है सी के लिए एल, तो यहाँ पे जो होगा ठीक है अगर हम इसको खोलें तो ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा का मतलब क्या है एक्स इज़ ग्रेटर देन क्या होगा c माइनस डेल्टा और लेस देन क्या है c प्लस डेल्टा। यहाँ पे देखें तो इंटरवल क्या बनेगा या डोमेन का इंटरवल क्या बनेगा c माइनस डेल्टा और c प्लस डेल्टा, ठीक है। ये तो जो x जो है ये किसके एलिमेंट होगा c माइनस डेल्टा या c प्लस डेल्टा। सिमिलरली अगर हम इसको खोलें तो f ऑफ x जो है वो ग्रेटर होगा एल माइनस एप्सिलॉन से और लेस होगा एल प्लस एप्सिलॉन से। इसका मतलब जो एफ ऑफ एक्स है जो रेंज है जो फंक्शन की वैल्यू है दैट वुड बी इंटरवल क्या होगा एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन, तो एफ ऑफ एक्स ये इसका वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ये एल प्लस एप्सिलॉन और ये एल माइनस एप्सिलॉन, ये सी प्लस डेल्टा, ये सी क्या है माइनस डेल्टा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कोई भी वैल्यू आप पुट करते हैं तो समझने की कोशिश करें कि सी
प्लस डेल्टा से लेस और सी माइनस डेल्टा से ग्रेटर, जो भी वैल्यू पुट करते हैं उसके लिए जो फंक्शन है उसकी जो वैल्यू है, जो आंसर आएगा ये डोमेन पुट करके, अगर वो क्या आता है एल से, एल प्लस एप्सिलॉन से लेस हो, एल माइनस एप्सिलॉन से ग्रेटर हो, यहाँ कहीं दरमियान में आता है तो वो क्या होगी, फंक्शन की लिमिट होगी एट एल होगी और व्हेन एक्स टेंस टू क्या होगा सी होगा, ये हम लिमिट की बात करते हैं। तो ये रिलेशन आपने याद रखना है, लिमिट ऑफ अ फंक्शन एट रियल नंबर, यहाँ पे क्या है सी की बात करें, एट रियल नंबर सी, ये तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि लिमिट, अगर हम इसको इस तरह लिखें कि लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्स अप्रोचेस टू सी इज इक्वल टू क्या है एल, तो ये फॉर्म बनती है, अप्रोचेस टू सी इक्वल टू क्या है एल, तो ये इसकी क्या होगी एल लिमिट होगी। ठीक है, अब हम इसके साथ ही एक थ्योरम की बात करते हैं। नेक्स्ट जो थ्योरम है दैट इज़ ऑन पेज नंबर 209 पे ही है थ्योरम, अब थ्योरम क्या है सबसे पहले देखते हैं, व्हाट इज थ्योरम, 209 पेज पे थ्योरम क्या है कि लेट एफ बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन अ डोमेन ए, के लेट एफ बी ए रियल वैल्यू फंक्शन डिफाइंड ऑन डोमेन ए, डोमेन है सेट, वो सबसेट किसका है रियल नंबर्स का सबसेट है आर का, फंक्शन है रियल वैल्यू का, एंड सी बी क्लस्टर पॉइंट ऑफ ए, और अगर सी उसका क्या है क्लस्टर पॉइंट है, एंड सी इज क्लस्टर पॉइंट ऑफ ए, एक अगर सी क्या है क्लस्टर पॉइंट है, देन द लिमिट ऑफ एफ एट सी अगर एग्जिस्ट करती है तो वो क्या होगी यूनिफॉर्म, देन लिमिट ऑफ एफ इफ एग्जिस्ट, अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है एट सी, सी पे तो लिमिट क्या है इट इज यूनिक, एफ की जो लिमिट होगी एट सी वो क्या होगी यूनिक, अगर एग्जिस्ट करती है लिमिट क्या होगी यूनिक होगी। सिंपल सा थ्योरम है कि अगर क्लस्टर पॉइंट है डोमेन का सी, डोमेन के सेट का, तो अगर एफ की सी पे लिमिट एग्जिस्ट करती है तो लिमिट क्या होगी यूनिक होगी, यानी सी पे एक ही लिमिट होगी, इसको हमने क्या करना है प्रूफ करना है। प्रूफ इसका क्या प्रूफ, हम ऑन कंट्राडिक्शन से प्रूफ करेंगे कि ऑन कंट्रेरी वी सपोज एफ एट सी हैज टू लिमिट्स, वो एक नहीं है दो लिमिट्स हैं, नंबर वन इज एल एंड नंबर टू इज एल प्राइम, ऑन कंट्रेरी फर्ज कर लिया कि एक लिमिट नहीं इसकी दो लिमिट हैं, एक एल है दूसरी क्या है एल प्राइम है, विद दी डिस्टिंक्ट लिमिट एफ की कहाँ पे एट पॉइंट एट एक्स इज इक्वल टू सी पे, हमने फर्ज कर लिया दो लिमिट्स हैं। ठीक है, अब देखें देन फॉर ऑल एप्सिलॉन अगर ग्रेटर देन ज़ीरो, तो अब हम वो रिलेशन की तरफ जा रहे हैं लिमिट के, देन फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो देर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर, देर एग्जिस्ट टू पॉजिटिव इंटीजर, हम एग्जिस्ट कर फर्ज कर एग्जिस्ट करते हैं, एक है लैम्डा वन एंड सेकेंड इज क्या है लैम्डा टू। ठीक है, सच दैट, अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया था, फर्ज कर ले अगर एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स की लिमिट क्या है एल है, तो लेस देन क्या होगा लेट्स से एप्सिलॉन बाय टू, फॉर ऑल एफ ऑफ एक्स सी की बात कर रहे हैं तो एक्स माइनस सी एब्सोल्यूट वैल्यू जीरो से ग्रेटर और लेस देन क्या है डेल्टा वन। ठीक है, डेल्टा वन, और दूसरी हमारे पास क्या है
फॉर एग्जांपल अगर दूसरी लिमिट यूनिक लिमिट इसकी सॉरी दूसरी लिमिट जो है डिस्टिंक्ट दूसरी लिमिट एल प्राइम है तो उसके लिए भी दैट्स इट एप्सिलॉन बाई टू वेयर एक्स माइनस सी एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन क्या फर्ज कर लें वो डेल्टा टू के लिए जीरो। ये वही रिलेशन है जो पीछे मैंने आपको लिमिट एट अ फंक्शन बताया कि अगर ये कंडीशंस फुलफिल होती है तो फंक्शन एल फंक्शन जो होगा एट सी वो क्या लिमिट एल जो है वो होगी उसकी लिमिट फंक्शन की लिमिट क्या होगी एल होगी। ठीक है ये बात करें लेट डेल्टा जो है अब हम बात करते हैं अगर एक डेल्टा वन है लेट डेल्टा जो है दैट इज़ मिनिमम वैल्यू है डेल्टा वन और डेल्टा टू में से। ठीक है दोनों के कंपैरिजन में जाएं डेल्टा वन डेल्टा टू में तो डेल्टा क्या है मिनिमम वैल्यू है बिटवीन डेल्टा वन एंड डेल्टा टू मतलब डेल्टा वन डेल्टा टू में जिसकी वैल्यू कम है वो डेल्टा होगा फर्ज कर लिए वो क्या होगा डेल्टा होगा। देन वो रिजल्ट्स तो अगर हम यहाँ से x माइनस सी तो जो वर्ब रिजल्ट होगा विल बी ट्रू फॉर ये x माइनस सी एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन डेल्टा और ग्रेटर देन जीरो के लिए भी क्या होगा ट्रू होगा। ठीक है ये वर्ब रिजल्ट जो है यानी अब हम क्या लेते हैं l माइनस l प्राइम एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं l प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स हमने ऐड भी कर दिया l माइनस l प्राइम एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस क्या एल प्राइम इसकी क्या लें एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है हमने ऐड भी कर दिया एफ ऑफ एक्स हमने क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। ठीक है तो अगर हम दोनों में एक अलग अलग मॉड को खोल दें तो अलग अलग वैल्यूज की तरफ चले जाएं एक एल माइनस एफ ऑफ एक्स ये एल माइनस एफ ऑफ एक्स ये एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है अब जो कि अलग करेंगे ये क्या हो जाएगा ये ग्रेटर देन इक्वल टू एल माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस हमारे पास एफ ऑफ एक्स माइनस एल। ठीक है एक एफ ऑफ एक्स एल माइनस एफ दूसरा एफ ऑफ एक्स माइनस एल प्राइम। ठीक है एफ ऑफ एक्स माइनस एल प्राइम एफ ऑफ एक्स विच इज़ लेस देन इक्वल टू देखें अगर हम माइनस इसमें से कॉमन ले लें एब्सोल्यूट वैल्यू ही है तो क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव का एल क्या हो जाएगा नेगेटिव का लेकिन माइनस जो कॉमन लेंगे जो कि एब्सोल्यूट वैल्यू है तो वो क्या होगी वैल्यू ही होगी पॉजिटिव ही होगी तो इस तरह हम इसको लिख सकते हैं प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एल प्राइम। ठीक है एब्सोल्यूट विच इज़ लेस देन इक्वल टू अब देखें अब लेस देन इक्वल टू नहीं आएगा क्योंकि ये लेस देन है एप्सिलॉन बाई टू और ये लेस देन है एप्सिलॉन बाई टू तो ये लेस देन क्या होगा एप्सिलॉन। ठीक है इसका मतलब क्या होगा अब देखें यहाँ से तो ये एल माइनस एल प्राइम एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन क्या है एप्सिलॉन। अगर एल माइनस एल प्राइम लेस देन एप्सिलॉन है तो हमें पता है कि एल माइनस एल प्राइम इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी है क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू है के नॉट लेस देन की वैल्यू एनी आर्बिट्रेरी पॉजिटिव क्वांटिटी से कोई भी अदर पॉजिटिव क्वांटिटी की वैल्यू लेस नहीं हो सकती। तो यहाँ से इस रिलेशन से हमें क्या पता चलता है एल माइनस एल प्राइम इसका मतलब क्या है लिमिट इज एल इज यूनिक ये लिमिट इज यूनिक। ठीक है एल और एल प्राइम क्या है वो वही बात है सेम है और ये लिमिट क्या है यूनिक इस रिलेशन से पता चलता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। ठीक है इसकी अल्लाह हाफिज़।